बहनाशन दुर्मति हरण, बहनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम, जो निश दिन इसको जपे जपावे सुने सुनावे उसके कार्य सफल होंगे ऐसी गारंटी कौन देता है। सिख धर्म के आदि गुरु श्री गुरु नानक बाबा ये जीवन को सफल बनाने की श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं। और भी कई संतों की वाणी में हरि नाम की महिमा को गाया गया। और आज ऐसे आधुनिक कलयुग के वातावरण में हम लोग मशीनी युग में मशीन जैसे हो गए, घड़ी के साथ चलने वाले, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, इतने से इतने बजे तक की जॉब है, इतने बजे तो खाना, इतने बजे तो नाश्ता, और इतने से इतने बजे तक तो कंप्यूटर पे बैठना है। और कहते हैं सर्वाइकल हो जाता है, पीठ दर्द और शरीर जकड़ जाता है। तो ये मशीन नो के साथ साथ जीवन मशीन जैसा न बने और तन के और मन के रोगों और दोषों से हम लोग मुक्त रहें, उसी लिए ये सत्संग की व्यवस्था है कि बाहर का धन तो जॉब से मिलेगा और बिजनेस से मिलेगा, लेकिन जब तक आध्यात्मिक धन जीवन में नहीं आया तो बाहर का धन किस काम का। हम तो वो खजाना देते हैं जो मौत का बाप भी नहीं लूट सकता है? और मीरा कहती है कि पायो मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सदगुरु कृपा की संपत्ति जैसा खजाना तो पूरे विश्व में नहीं, ये सदगुरु कृपा की संपत्ति आप सभी को मिले और उस खजाने से आपका जीवन मालामाल हो जाए, ये आकांक्षा। और इसलिए धन्य है वे मानव रूप में देवता कि जिन्होंने समाज और संत के बीच एक कड़ी बनने का काम किया, सेतु बनने का काम किया, और तन से मन से धन से तीनों ढंग से सेवा के सत्संग के इस दैवी कार्य को संपन्न बनाने के लिए जी जान से रात दिन एक करके जो लोग जुटे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं और उनको कितना लाभ मिल रहा है और उनकी कितनी कमाई हो रही है, वो या तो सदगुरु जाने या तो फिर भगवान जाने, और कौन जान सकता है कि उनको क्या मिलता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक फल होता है, एक रिजल्ट होता है, एक बेनिफिट होता है। हाँ, एक फल बेचने वाला समझता है कि मैंने 5,000 के फल खरीदे थे और रात को जब वो पैसा काउंट करता है तो देखता है कि मैंने 7,500 रुपये का धंधा किया तो उसमें से 2,500 रुपया मुझे बेनिफिट मिला। 5,00,000 रुपया लगाने वाला जब हिसाब करता है तो उसे जब 9,00,000 रुपये दिखते हैं तब वो कैलकुलेट करता है कि मुझे बेनिफिट मेरे टाइम का और मैंने जो बिजनेस किया उसका 4,00,000 रुपए मेरे को बेनिफिट मिला। लेकिन जो सेवा करता है वो कैसे समझे कि मुझे क्या बेनिफिट मिला। मैंने जो टाइम लगाया, जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने एनर्जी लगाई, जो दिमाग लगाया, उसके बदले मेरे को क्या मिला। बेनिफिट सिर्फ रुपए से नहीं आका जाता, बेनिफिट सिर्फ फल से या
मेवा मिठाई से या लौकिक सांसारिक साधनों के मिलने से ही बेनिफिट नहीं आका जाता। जो हमने काम किया उसका फल क्या है, हमने काम किया उसका फल क्या हो सकता है कि हमने जो काम किया उसके बदले हमारे हृदय में क्या फलित हुआ? क्या चिंता फलित हुई, भय फलित हुआ, टेंशन फलित हुआ? बिजनेस करने वालों को पूछो कि तुम जो 10-15 लाख लगा के और 30-40 लाख का या 50 लाख का प्रॉफिट तुम जो है वो कमा रहे हो, तो क्या यही जो है वही बेनिफिट है जो तुम्हारे चित्त में आनंद फलित हो रहा है, जो शांति फलित हो रही है, जो भगवत भाव फलित हो रहा है और जो संत की कृपा का फल मिल रहा है? ये फल भी अपने आप में जैसा तैसा फल नहीं है, वो फल भी बड़ा फल है, संत कृपा का फल। और इसीलिए मुझे याद आती है बात संत एकनाथ महाराज की, कि गंगा जल कावड़ में भर के वो ले जा रहे थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ दूसरे भी संतों का काफला था। और आप जानते हो कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, बरसात भी कम होती है, रेगिस्तान जैसा। तो एक इलाका ऐसा आया कि जहाँ एक गधे को प्यास के मारे गर्मी के दिनों में उन्होंने छटपटाते हुए देखा, तब वो जो भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए कावड़ में भरकर पानी ले जाया जा रहा था, उस पानी को गधे को पिलाने के लिए, उस गंगा जल से गधे की प्यास बुझाने के लिए एकनाथ महाराज आगे बढ़े, तो दूसरे सब साधुओं ने कहा कि इतनी मेहनत से, इतने दिनों से गंगा जल भर के ले जा रहे पैदल पैदल, और तुम्हारा शिवाभिषेक कैसे होगा, तुम्हारा संकल्प कैसे पूरा होगा, तुम गधे को पानी पिला रहे हो? एकनाथ महाराज कहते हैं, मेरा विट्ठल और मेरा शंकर सिर्फ मंदिर में नहीं, मेरा तो परमात्मा इस गधे में भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उड़ेल दिया उसके मुंह में वो गंगा जल। ये भारतीय संस्कृति की दिव्यता देखिए, ये ज्ञानमय ब्रह्ममय आत्म दृष्टि देखिए, कि आत्मदृष्टि जो है उसकी महिमा ऐसी है कि वो गधे में भी ब्रह्म दर्शन करा रही है। तो कोई संत में ब्रह्म दर्शन करे, आत्मदर्शन करे तो संभव है। और ऐसे कई शिष्य हैं जो अपने गुरु में ब्रह्म दर्शन करते हैं, परमात्म दर्शन करते हैं।